दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डायनासोर के समय के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर जिन्हें देखकर आप हैरान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर वन, टाइनासोसोरस रेक्स। इस श्रेणी में सबसे पहले टाइनासोसोरस रेक्स का नाम आता है। वैज्ञानिक इसे टीरेक्स भी कहते हैं। सबसे खतरनाक डायनासोर की श्रेणी में इसे पहले स्थान पर आने से कोई नहीं रोक सकता। टीरेक्स, इसका हिंदी में मतलब होता है खूंखार शिकारी। टीरेक्स 23 फीट तक ऊंचा और 37 से 45 फीट तक लंबा होता था। इसका वजन तकरीबन 12 टन हुआ करता था। शोधकर्ता इसे जमीन पर रहने वाले जीवों में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मांसाहारी जीव मानते थे कि यह एक बार में अपने जबड़ों से 13,000 पाउंड तक का फोर्स उत्पन्न कर सकता था। एक बार इसके जबड़ों में कैद होने के बाद किसी भी जीव का बच पाना नामुमकिन होता था। नंबर टू, स्कोटोसोरस। इस जानवर का अस्तित्व धरती पर तकरीबन 24 से 29 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता था। यह उस समय के सबसे विशालकाय जानवरों में से एक था। इसके शरीर की लंबाई 9 फीट और भार 1000 किलो तक होता था। इस रेप्टाइल के पैर शरीर के साइड में ना होकर शरीर के नीचे होते थे, जिसके कारण यह बाकी सभी रेप्टाइल से काफी तेज दौड़ सकता था। नंबर थ्री, द डक्लियोस्टेथस। बताया जाता है कि यह जानवर 10 मीटर तक लंबा और 600 किलोग्राम तक वजन का होता था, जो कि व्हाइट शार्क से 2 गुना बड़ा होता था। आपको बता दूं कि डक्लियोस्टेथस के जबड़े को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, जो लोहे की तरह मजबूत था, और उसके सिर पर हड्डियों का सुरक्षा कवच था जो उसे बाकी जानवरों से काफ़ी ताकतवर बना देता था। लेकिन इस जानवर की सबसे बड़ी ताकत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि इसके कवच के कारण उसे अपने मुंह को खोलने में काफ़ी समय लग जाता था और वह ज़्यादातर अपने शिकार को गवा बैठता था। नंबर फोर, टेनिस्टोपियस। टेनिस्टोपियस को दुनिया के सबसे पुराने रेप्टाइल्स में से एक माना जाता है। इसके शरीर के मुकाबले इसकी गर्दन काफ़ी लंबी हुआ करती थी, जो इसे पानी में मछलियों को पकड़ने और पेड़ों के पत्ते खाने में काफ़ी मदद करती थी। यह एकमात्र रेप्टाइल था जो कि पानी के अंदर और जमीन पर भी काफ़ी फुर्तीला था। नंबर फाइव, स्टेथेकेनेथस सार्क। यह सार्क करीबन 300 साल पहले हमारी पृथ्वी पर रहा करती थी, जिसकी पहचान इस सार्क के सर पर मौजूद नुकीले कांटों से की जाती थी, जो कि इसके सर के साथ साथ इसके पीठ पर भी लगा करते थे, जो कि इतने नुकीले और खतरनाक हुआ करते थे कि इनकी वजह से कोई भी जानवर इसके सामने जाने की गलती नहीं करता था। यह सार्क पानी में काफ़ी गहराई पर पाई जाती थी और अपनी भूख मिटाने के लिए बड़े बड़े जानवरों पर ही हमला करती थी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है, तो क्या आपका एक लाइक मुझे मिल सकता है, जिसे देने में आपको मात्र 1 सेकंड लगेगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।